subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चोरों के हौसले बुलंद, बदमाश कैसे दे रहे पुलिस को चुनौती। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बहन को ससुराल से बाइक पर लेकर आ रहे युवक के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाश जेवरात से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पीछा करने के दौरान भाई बहन एक गाड़ी से टकरा गए। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी मालिक ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित के मुताबिक बैग में 9 सोने की अंगूठी व अन्य सामान रखा था। आपके चोट कैसे लगी है? कहाँ से पीछे लगे थे ये पता नहीं, यहाँ पे आसा पब्लिक स्कूल तरफ थी ना बैग। क्या क्या ले गए आपके पास? 10 अंगूठियाँ थी। लूट में क्या ले गए? 10 अंगूठियाँ थी, 4000 रुपए थे और एक सोने की माला थी उसमें। अस्पताल कैसे आ पाई? अस्पताल कैसे आई? जिसने जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वही गाड़ी लेके आई। आपने पुलिस को सूचना दी थी? नहीं। पुलिस मौके पर पहुंची थी? पुलिस को फोन कर ही नहीं पाया था, पुलिस एक्सीडेंट के समय पास थी। अभी जब अस्पताल में आई तो पुलिस आपके साथ में थी? हाँ, एक्सीडेंट हुआ था तो पुलिस साथ में थी। आपका नाम क्या है? आपके साथ में कौन है? भाई आपका क्या नाम है? ये घटना करीब शाम 7 बजे की है। एक मोटरसाइकिल पे ऋतिक अवस्थी नाम का एक लड़का अपनी सिस्टर को लेकर के आ रहा था, तो पाल चौराहे के पास उसकी बाइक एक बोलेरो से टकरा गई और उसमें वो दोनों घायल हो गए। उनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि वो लोग आ रहे थे तो एक तिरुवा कन्नौज मार्ग पे आशा पब्लिक स्कूल है उसके पास किसी ने उसकी सिस्टर की जो बैग थी उसको छीन लिया। मोटरसाइकिल सवार थे दो लड़के और छीन करके आगे की ओर भागे थे। उनका पीछा करने में ये घटना घटी। सर, बैग में कितना माल हो सकता था, कुछ जानकारी? देखिए, अभी इन लोगों ने कोई तहरीर नहीं दी है, लेकिन बैग में बताते हैं सोने की अंगूठियाँ थी। और कल हमारे दो थाना अध्यक्ष उस पीड़ित व्यक्ति के घर पे भी गए थे, लेकिन रात में उन लोगों ने तहरीर नहीं दी थी। उसमें अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या ये दोनों व्यक्ति सर घायल हैं क्या? हाँ, बताया ना मैंने कि जब दुर्घटना हुई तो घायल हो गए, उनको अस्पताल पहुँचाया गया।